देवरिया जनपद में बारावफात बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग काफी खुश नजर आए। पुलिस प्रशासन भी जुलूस को निकालने में काफी मदद की। बताया जाता है कि यह हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को बारावफात या ईद मिलाद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म में मानवता यानी इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए बारावफात के दिन गरीबों को नए कपड़े, राशन और दान देकर इस परंपरा को लोगों तक पहुँचाया जाता है। यह जुलूस शहर के रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, सुभाष चौक, कोतवाली रोड होते हुए अपने अपने स्थानों के पास पहुंचे। देखिए देवरिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। पहले तो हम कहना चाहेंगे, जन्मदिन हराम है, लेकिन क्यों हराम है? जो अंग्रेजी हुकूमत आई उनके सलीके से मनाना हराम है। जन्मदिन को हम मुसलमानों को एक सही सलीके से मनाना चाहिए। केक काटना हराम है, हैप्पी बर्थडे बोलना हराम है, उसके साथ जश्न मनाना हराम है। जैसे लोग सेंपिंग पीते हैं, अंग्रेज और विदेश के लोग, वो हराम है। और ये जन्मदिन मनाना हलाल इसलिए है कि हम अपने नबी की सुन्नत पे मना रहे हैं। हमारे नबी की सुन्नत, गरीबों को खिलाइए, पानी पिलाइए, जहाँ तक तकसीम कीजिए, जितनी मदद हो गरीबों की कीजिए। इसको, इस तरीके का जन्मदिन मनाना हलाल है और ऐसे ही जन्मदिन मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों को संदेश ये देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा अमन प्रिय देश है और इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाया है और हम सब एक हैं और नेक हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? नाम मेरा मोहम्मद इसराफिल अली और गब्बर, समाज सेवी।